महिलाओं को या लड़कियों को उनके प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड ढेरों समस्याएं होती हैं। उन्हीं में से एक है वजाइनल ईचिंग होना, यानी जननांग या फिर योनि में खुजली होना। योनि या वजाइना में ईचिंग होना एक सामान्य समस्या है जिसका हर महिला या लड़की को कभी ना कभी सामना करना पड़ता ही है, लेकिन कोई इसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहता। लड़कियां शर्माती हैं या फिर महिलाओं को ये बताने में शर्म आती है या हिचहिचाहट आती है कि उनको वजाइना में खुजली हो रही है, और महिलाओं की लापरवाही से ही ये समस्या कई बार इतनी ज्यादा घातक हो जाती है जिसको ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखिए, जो हमारा प्राइवेट पार्ट होता है वो हमारे शरीर का एक हिस्सा ही है और बेहद सेंसिटिव हिस्सा है। ये बात महिलाओं को और लड़कियों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब कोई इन्फेक्शन या कोई भी चीज छोटी होती है उसको अगर हम समय पर ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन यही प्रॉब्लम अगर गंभीर समस्या या गंभीर बीमारी का रूप ले ले तब आप क्या करेंगे? तब आपको ज्यादा परेशानी होगी और आपको खुलकर डॉक्टर से बात करना होगा। इसलिए मेरा सजेशन या फिर मेरा सुझाव आपके लिए यही रहता है कि जब भी महिलाओं को ऐसे कुछ लक्षण मिले या ऐसे कुछ लक्षण समझ में आए अपने शरीर को लेकर, खासकर अपने प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड, तो उन्हें जल्द से जल्द किसी डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि वो बीमारी या वो समस्या गंभीर ना हो और आप उसको उसके प्राइमरी स्टेज पे ही कंट्रोल कर लें। नमस्कार, मैं हूं दीपा, वेलकम बैक टू जर्नी वुमन एंड बेबी हेल्थ केयर। वजाइना की बाहरी स्किन में, मतलब जो योनि है उसकी बाहरी स्किन में खुजली होना या फिर ईचिंग होने की इच्छा को हम वजाइनल ईचिंग कहते हैं। मतलब बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारी लड़कियों को ये समस्या होती है, बहुत सामान्य है, लेकिन जब हम किसी पब्लिक एरिया में होते हैं या फिर हम किसी के साथ होते हैं और कई बार हमको जब हमारी वजाइना में यानी हमारे प्राइवेट पार्ट में ईचिंग की इच्छा होती है तो ये हमारे लिए काफी एम्बैरेसिंग होता है। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, आप इसको कैसे रोक सकते हैं, इसके घरेलू उपाय क्या है, आपको कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज नीचे दिए हुए बेल बटन पे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं जितनी भी न्यू वीडियोज अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे उनकी नोटिफिकेशन आपको बिना किसी देरी के मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, वजाइनल ईचिंग यानी योनि में खुजली का सबसे मेन कारण हो सकता है यीस्ट इन्फेक्शन। यीस्ट इन्फेक्शन में क्या होता है, हमारी जो वजाइना होती है उसमें पहले से ही बैक्टीरिया और फफूंद होती है जो जनरली हमारे वजाइना के पीएच को मेंटेन करने के लिए रहती है, मतलब ये वहां के संतुलन को बनाए रखने के लिए रहती है। लेकिन जब हम किसी बीमारी को ठीक करने के लिए लंबे समय से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर हम हार्मोनल थेरेपी लेते हैं, उस समय हमारे शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं उसकी जगह हमारे जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण महिला को यीस्ट इन्फेक्शन हो जाता है और खुजली की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके बाद सेकेंड है बैक्टीरियल वैजिनोसिस। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब योनि का पीएच, मतलब गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, तब महिलाओं को कई बार खुजली होने के साथ साथ सफेद बदबूदार सिक्रीशन भी होता है। इस समस्या को भी महिलाओं को कई बार फेस करना पड़ सकता है। अगर आपको अपनी वजाइना में इस तरह का कोई लक्षण समझ में आता है तो आपको शुरुआती समय पे ही जल्द से जल्द गायनेकोलॉजिस्ट का सजेशन ले लेना चाहिए, मतलब जो महिलाओं की एक्सपर्ट्स होती हैं उन डॉक्टर से आपको सजेशन ले लेना चाहिए। इसके बाद कई बार महिलाओं और लड़कियों के शरीर में सेक्स हार्मोन में चेंजेस होने के कारण भी इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कई बार जब मीनोपॉज होता है, मतलब महिलाओं की महावारी खत्म होने वाली होती है या बंद हो रही होती है, उस समय भी महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण भी योनि में रूखापन और वजाइनल इरिटेशन जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और कई बार तो महिलाओं को और लड़कियों को महावारी के दौरान, मतलब मासिक धर्म के दौरान भी ईचिंग की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा भी कई बार महिलाएं या फिर लड़कियां अपने प्राइवेट पार्ट को, मतलब प्यूबिक एरिया में बालों को साफ करने के लिए, हेयर रिमूव करने के लिए वैक्सिंग करती हैं या फिर शेविंग का इस्तेमाल करती हैं। इससे भी कई बार महिलाओं को वहां पर रेडनेस या फिर इचिंग की समस्या हो सकती है। अगर आप पहली बार शेव कर रहे हैं या फिर वैक्सीन करवा रहे हैं अपने प्यूबिक एरिया में, तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि कहीं इससे आपको एलर्जी तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि इससे कई बार महिलाओं को बैक्टीरियल वैजिनोसिस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए गर्ल्स, आपको इंश्योर होना बहुत जरूरी है कि जो आपका शेविंग इंस्ट्रूमेंट है वो एकदम न्यू हो, फ्रेश हो और किसी का
यूज किया हुआ ना हो, और ध्यान रखिए कि जो आपका वैक्सीन क्रीम है वो भी एक्सपायर ना हो, उसकी जो स्ट्रिप्स हो वो भी बिल्कुल न्यू हो। इसके अलावा भी अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट में सफाई मेंटेन नहीं करते हैं तो ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है वजाइनल इचिंग होने का, मतलब योनी में या जननांगों में खुजली होने का। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आप जो अंडरगारमेंट इस्तेमाल कर रही हैं, स्पेशली आपकी जो पैंटीज हो, उनको आपको हर 3 महीने में चेंज कर लेना चाहिए। ध्यान रखिए कि जो आपकी पैंटीज हैं वो स्पेशली कॉटन की होना चाहिए, जिससे जो पसीना आता है उसको वो ऑब्जर्व कर सके अच्छे से। और ज्यादा टाइट अंडरगारमेंट्स नहीं पहनना है, थोड़ा सा क्रॉस वेंटिलेशन, मतलब थोड़ा सा हवा लगनी चाहिए। ज्यादा टाइट कपड़े पहनने से, जैसे जीन्स हो गया या फिर पैंटीज हो गई, ये ज्यादा टाइट ना हो, क्योंकि इनके कारण भी कई बार हमको इरिटेशन जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ध्यान रखिए, जितने बार आप यूरिन जाते हैं, जिसको मैं खुल के कहूं कि जितने बार आप बाथरूम करने जाते हैं, आपको अपने प्राइवेट पार्ट को पानी से अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। और पानी से मतलब प्लेन वाटर से, साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, प्लेन वाटर से आपको अपनी वजाइना को वॉश करने के बाद में सूखे कपड़े से पोंछना भी जरूरी है। कई बार लोग वजाइना को पानी से साफ तो करते हैं लेकिन उसको सूखे कपड़े से पोंछते नहीं है, गीली अंडरवियर पहन लेते हैं, और लंबे टाइम तक गीली अंडरवियर पहने रहने के कारण भी वजाइना में इरिटेशन या फिर इचिंग जैसी समस्या होती है। इसके अलावा कई लड़कियां या महिलाएं सेक्स टॉयज का इस्तेमाल करती हैं लेकिन उसको वॉश नहीं करती हैं, इसीलिए आपको इन्हें यूज करने से पहले ये इंश्योर होना जरूरी है कि जो आप सेक्स टॉयज का इस्तेमाल कर रही हैं उसके पहले और बाद में आपको अच्छी तरीके से उसको वॉश करना चाहिए, अच्छे से उसको साफ करके ही आप इस्तेमाल करिए। याद रखिए, आप कोई भी चीज अपने प्राइवेट पार्ट में इस्तेमाल कर रही हैं उसको अच्छे से धो लें, अच्छे से वॉश कर लें, इसके बाद ही आप उसको इस्तेमाल करें। एक चीज और कि आप किसी दूसरे का इस्तेमाल किया हुआ ना करें, ये आपका ही इस्तेमाल किया होना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरे का सेक्स टॉयज इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि वो इन्फेक्शन आपको भी हो जाए। इसके अलावा कई महिलाएं ज्यादा गर्भ निरोधक दवाओं का इस्तेमाल करती हैं, जिसके कारण भी महिलाओं को इस तरह की समस्या हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनके कारण महिलाओं को या फिर लड़कियों को कई बार योनि में खुजली का सामना करना पड़ता है, और ये बहुत ही एम्बैरेसिंग होता है। योनि में खुजली के ढेरों लक्षण हो सकते हैं, जिन्हें आप अपने ऊपर अगर महसूस करती हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो मैं आज आपको ऐसे कुछ खास लक्षणों के बारे में बताऊंगी जिनको पता करके आप तुरंत डॉक्टर के पास जा सकती हैं। तो इसका पहला लक्षण है कि जो वजाइना का बाहरी वाला पार्ट है, मतलब जो प्राइवेट पार्ट है उसके बाहरी हिस्से में खुजली होना या फिर सूजन जैसी महसूस होना या फिर रेडनेस मतलब लालिमा टाइप का आ जाना। इसके अलावा वजाइना में सफेद पानी की समस्या या फिर व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या भी हो सकती है। तो अब मैं बात करूंगी इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मतलब हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, इसको सावधानी कैसे रख सकते हैं। वैसे जब मैंने आपको इसके कारण बताए थे तब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट भी बता रही थी। अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा हो तो मैंने बहुत सारी जगह आपको ये बताया कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। चलिए एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ कि आपको इसका इलाज क्या करना चाहिए। जब आपको वजाइनल इचिंग या फिर प्राइवेट पार्ट में खुजली हो रही हो तो आप इसके क्या क्या इलाज कर सकते हैं, कैसे इस समस्या से बच सकते हैं, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये है कि जब आप नहाती हैं तो आपको अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, अच्छे से साफ करना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने वजाइनल वाले पार्ट में किसी भी तरह का क्रीम इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करना है, साबुन इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी खुशबू वाली चीजें इस्तेमाल नहीं करना है। याद रखिए, जो आपका प्राइवेट पार्ट है मतलब जो आपका वजाइना वाला एरिया है, आपको उसको गीला नहीं छोड़ना है, उसको आपको हमेशा सूखा रखना है। इसके लिए आप एक टॉवल या फिर नैपकिन ले सकती हैं। जितने बार भी आप यूरिन जाती हैं उतने बार आप पानी लीजिए और उसको अच्छी तरह से साफ करिए। याद रखिए, आपको किसी भी तरह के साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर कोई भी खुशबू वाली चीज का या फिर परफ्यूम का इस्तेमाल अपने वजाइना वाले पार्ट में, अपने प्राइवेट पार्ट में नहीं करना है। इसके अलावा आप अपने वजाइना वाले पार्ट को मतलब अपने प्राइवेट पार्ट को साफ करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। गर्म पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, कुनकुना होना चाहिए। हल्का गर्म पानी इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। कई बार बैक्टीरिया वहां पनपने लगते हैं तो वो बैक्टीरिया भी गर्म पानी से मर जाएंगे और आपकी वजाइना भी साफ हो जाएगी। इसीलिए आप वहां पर गर्म पानी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं लेकिन हल्का कुनकुना, ज्यादा गर्म नहीं। इसके अलावा अगर आप मीनूपॉज वाली स्टेज में, मतलब जब आपकी पीरियड्स रुकने वाले हैं, उस समय भी महिलाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप इस स्टेज में हैं तो आपको दूसरी समस्याओं को रोकने के लिए डॉक्टर से मिलकर हार्मोनल थेरेपी लेनी चाहिए। इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा, खास तौर पर आपको
खुजली जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा आपको खुशबू वाली नैपकिन या फिर सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल नहीं करना है अपने प्राइवेट पार्ट में। इसके कारण भी कई बार महिलाओं को डर्मेटाइटिस या फिर एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा आपको सेक्स के दौरान कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर आपको ल्यूब्रिकेंट या फिर लेटेक्स वाले कॉन्डम से प्रॉब्लम होती है तो आप पॉली यूरेथेन या फिर पॉली आइसोप्रेन कॉन्डम का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। साथ ही बहुत ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स भी ना रखें, मतलब मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर ना रखें। साथ ही लड़कियां और महिलाएं मास्टरबेशन से पहले और बाद में अच्छी तरह से अपने हाथों को साफ रखें। और अगर आप सेक्स टॉयज का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूं, तो आपको अपने सेक्स टॉयज को इस्तेमाल करने से पहले और बाद में अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। कोशिश करें कि आपके जो सेक्स टॉयज हों वो किसी दूसरे के यूज किए हुए ना हो, वो आपके ही यूज किए हों। और इसी के साथ ही महिलाओं और लड़कियों, आपको स्पेशली अपने प्राइवेट पार्ट की साफ सफाई और अपने हाथ की सफाई पर स्पेशली ध्यान रखना है। अपना डाइट अच्छा करिए, अगर आपका डाइट अच्छा होगा तो आपको ये सब एलर्जी भी कम होंगी। स्पेशली ध्यान रखिए, अपना विशेष ध्यान रखिए, अपने प्राइवेट पार्ट का ख्याल रखिए, और किसी भी तरह का इन्फेक्शन या फिर आपको लक्षण समझ में आते हैं तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनके सुझाव से और उनके सजेशन से ही आपको आगे का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अपने मन से कोई भी दवाई या फिर किसी भी केमिस्ट के पास जाके कोई भी क्रीम जेल इस्तेमाल नहीं करना है। जो डॉक्टर्स आपको सजेशन देते हैं आपको वही इस्तेमाल करना है। तो चलिए, अगर अभी तक आप मेरा वीडियो आखिर तक देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे दिए हुए बेल बटन पर प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं जितनी भी हेल्थ रिलेटेड शानदार न्यू वीडियोस अपलोड करती हूं उनके नोटिफिकेशन आपको बिना किसी देरी के मिल पाए। और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।